नाम लिखें और आप देख रहे हैं शूटिंग स्टार। तो आज हम बात करेंगे स्लो मोशन। मैं मानता हूं कि स्लो मोशन थोड़ा सा पुराना है, बट ये आज भी इतना इफेक्टिव है कि आपके डांस में थोड़ा सा इफेक्ट तो डाल ही सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलो अब शुरू करते हैं, लेट्स गो। अब आ रही है स्लो मोशन सीखने की। आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल हुआ तो भी आपका स्लो मोशन इफेक्टिव दिखेगा और अच्छा होगा। मींस जैसे आप सिंपली चल रहे हैं ना, बस आपका बॉडी में कंट्रोल और अपने हाथों की मूवमेंट और पैरों की मूवमेंट इक्वल होनी चाहिए। कि ये नहीं कि हाथ आपके तेज हो और पैर आपके स्लो, या बॉडी आपकी ऊपर वाली स्लो हो और नीचे वाले जस्ट इक्वली कंट्रोल आर्म्स एंड लेग्स आल्सो। हील को नीचे और टो को ऊपर, इससे और स्लोली स्लोली इसको ऐसे रखना है। और जब ये फुट पूरा नीचे आए तो अब अपनी दूसरे पैर की टो को उठाना, तो फिर ये हौली हौली कंट्रोल बॉडी को कंट्रोल करते करते फिर मूव करना हाथों को साथ। अगेन दिस स्टेप फुट Three. कोशिश करें कि स्लो वॉक करते समय अपने शोल्डर्स को नीचे रखें, लाइक ये टिप को याद रखें कि जब भी आप स्लो वॉक करें तो ऑपोजिट हाथ और पैर उठाएं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, लाइक राइट हैंड लेफ्ट और अब बात करते हैं सेकंड टिप की। तो जब भी आप स्लो मोशन करते हैं तो अपने फेस को ऊपर और शोल्डर्स को नीचे रखें, जिससे आपका स्लो मोशन और इफेक्टिव दिखे। तो जैसे हम नॉर्मल वॉक करते हैं, सोचिए कि आपके पैर में कुछ च्युइंग गम चिपक गया, तो उसको हटाना है। कैसे हटाना है? जोर लगा कर तो ऐसे ही वॉक करना, पैर को उठाना सीखो और कोशिश करो कि एक पैर में कंट्रोल करना सीखो आप बॉडी को, तभी आपका स्लो मोशन अच्छा होगा। ये सभी स्टेपों को कंबाइन करके अगर आप जब स्लो वॉक करेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे, मुझे पक्का यकीन है कि आपकी स्लो मोशन एकदम परफेक्ट होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपने कुछ टिप्स तो लिए होंगे स्लो मोशन को अच्छा करने के लिए। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नितिन साइनिंग आउट।